भी आप लोग आते हो तो ऐसे ही करके जाइएगा, क्योंकि नहीं तो ना इफेक्ट पड़ता है इस लेक के लिए। यही जगह सेम लोकेशन है, सो अभी हम लोग भी सेम वीडियो शॉट करने जा रहे हैं। सो कैमरामैन रेडी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड। ठीक है, ये गुंदी बंदी फोर्ट का नेक्स्ट एपिसोड है ये। सो आप लोग ने फर्स्ट वीडियो तो देखा ही होगा गाइस, डिफिकल्ट नेम है, मेरे को प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है। सो यहाँ से अभी हम लोग दूसरा लोकेशन जा रहा है। स्टे ट्यून गाइस, आई होप कि आप लोग ये वीडियो इन तक देखेंगे गाइस। बहुत ही अच्छा लेके, बहुत ही अच्छा रिव्यू है। सो प्लीज गाइस, वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह भी लेके गया है, चटाई वटाई लेके गया, वहाँ पे पीछे के थोड़ा सा इन्जॉय करने वाला है थोड़ा सा। सो स्टे ट्यून गाइस। सो देख सकते हो मेरा लोग, मेरा दोस्त लोग अभी निकल रहे हैं। मौसम से बहुत ठंडा हुआ, अभी बारिश होके रुके हैं हम लोग, जो है आगे जा चुके हैं मेरा दोस्त लोग, और हम लोग जो है सफर के मजे लेते हैं, मैं और मेरा वाइफ, हम लोग पीछे जा रहे हैं आराम से। चेक करो गाइस, ओह माय गॉड, ओह शिट, सॉरी। मेरे टायर हेर्नुहोस् न, टायर ठिकै छ सर, फेरि पेन लोगे यहाँ पे, देख सकते हो कितना गाड़ी है यहाँ पे। और ये रास्ता चेक करो गाइस, मस्त सीरियसली। और ये ना हेलमेट बिक चुका था ना, इसलिए मैं हैंग भी डाला हूँ, कैसा दिखा है। ओ भाई साहब, चेक द व्यू, पूरा पहाड़ी पहाड़ है, गांव का याद आ रहा है मेरे को। Oh my god. Ebi. Kasto lagiraicha bhai? Ham bhai la kasto lagiraicha? Ramro lagiraicha da lai. Kesa feel ho raha hai? Babba, sari go, kesa lag raha hai? I'm feeling like I'm on the another universe ke. Yes. Aur sa dosto kesa lag raha hai? Bosan sapla sochu. Maza aa raha hai? Maza nahi aa raha hai. Hamara sathi lai kasto? Hamro sathi haru. Ha? Babba lagiraicha. Bahini lai? Bahut acha. Babba, hamro bahini lai? हाम्रो बेबीलाई अलवेज खुसी नै, हाम्रो भान्जीलाई कैसा फिल लाग्छ, ट्याम्पर ग्लास भाई, चलो आराम से चलो। कितना किलोमिटर है अभी यहाँ से? हम लोग स्वाट का दौर पहुँचने वाला है। कितना कितना किलोमीटर है? प्रोबेबली 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, ओके गाइस 3 किलोमीटर है। थोड़ा सा वेट करना, ब्लॉग ना बहुत बवाल होने वाला है, प्लीज डोंट मिस दैट व्यू, ओके।
ऑलराइट गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बाटा डोसा हल्ली लेक पे। ये चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा जगह है। ओह माय गॉड, इट्स रियली अमेजिंग। बहुत ही अच्छा व्यू है, तो सब जन खुश हो रहा है यहाँ पे। और ये देखो पानी खेलने भी लगा है यहाँ पे। ओह भाई, अभी यहाँ पे वीडियो करेंगे, शूट करेंगे, कुछ खाएंगे। एक्चुअली हम लोग ना बहुत ही भूख लगा है, और झारमुली बना के खाएंगे यहाँ पे किनार पे एक्चुअली। ओके, ये देख सकते फोटोशूट चल रहा है यहाँ पे। गाइज, अभी हमारा यहाँ पे कुछ चल रहा है स्नैक्स वगैरह। तो यहाँ पे झालमुड़ी बना रहा है हमारा दुबे, है ना, ठीक है। खाने के लिए यहाँ पे वेट कर रहा है लड़का लोग तो दोनों यहाँ पे बना रहा है, चटपटे बना रहा है। तो देख सकते हो झालमुड़ी बन रहे गाइस। तो यहाँ पे सब वीडियो बनाने में बिजी है, मेरा बेबी और बहन जी बना रहा है और वो लोग वहाँ पे बैठा हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए, थोड़ा इन्जॉय करेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे इस जगह को। जगह देख सको कितना खूबसूरत जगह है। एंड मुझे ना ऐसा अनएक्सपेक्टेड प्लेस आने में ना बहुत ही मज़ा लगता है। एक्चुअली हम लोग का प्लान क्या हुआ था ना, यहाँ पे एक्चुअली कुछ गैस वगैरह लेने का प्लान हुआ था। गैस है एंड एक ये ग्रिल चिकन वगैरह बनाने का कुछ सामान भी ऑर्डर किया था हम लोग ने, बट वो भी नहीं आया। एंड गैस भी हम लोग को लाइक क्या हुआ, मैनेज नहीं हो पाया। कि हमारे पास दो चूल्हे वाला गैस था, इसलिए अगर एक चूल्हे गैस होता तो ना हम लोग आराम से लेके आ सकते थे यहाँ पे स्कूटी में डाल के। यहाँ पे हम लोग पिकनिक मनाने का जैसा सोच रहा था, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि जगह जो इतना खूबसूरत है। आई थिंक नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे, आप पकाने का सामान वगैरह लेके सब कुछ लेके फिर करेंगे। बहुत ही अलग सा मज़ा होगा, अलग सा फील हो जाएगा होगा। यानी कि व्यूज है, बहुत ही खूबसूरत है गाइज यहाँ पे। ओ माय गॉड, चेक द व्यू, सीरियसली गाइज एकदम पीसफुल है। सामने रोड है, मेन रोड है। आई डोंट नो ये रोड को क्या बोलते हैं, बहुत ही दूर आ चुके हैं हम लोग। यानी कि लगभग होगा घर से 110-115 किलोमीटर हो सकता है। एंड मुझे ना लाइक ऐसे जगह ना देखना बहुत ही अच्छा लगता है, अनएक्सपेक्टेड ऐसा ही। इसलिए हम लोग निकला घर से। अभी ये गुंदीबंदी फोर्ट भी बहुत ही अच्छा था। इसको बोलते हैं एक्चुअली भाटा डोसा हल्ली लेक। देख सकते हो कितना अच्छा खूबसूरत है। यानी कि बट यहाँ पे आप लोग को दुकान वगैरह नहीं मिलेगा, दुकान वगैरह एक भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बर्ड नॉइस वगैरह आ रहा है एंड कुछ ये सुन सकते हो, और पहाड़ है वहाँ पे, और यहाँ पे पहाड़ है और नीचे लेक। ओ भाई कितना खूबसूरत दिख रहा है, मस्त है मस्त। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमारा लोग, अभी कुछ खाएंगे गाइस, ठीक है। थोड़ी देर दोस्तों के साथ मज़े करेंगे और ये खाएंगे, झालमुड़ी वगैरह बना रहा है तो खाएंगे। खा के फिर बैठ के आराम, दो आधा घंटा जैसा वेट करके फिर हम लोग घर जाएंगे, कुछ खाएंगे वहाँ पे बना रहा है झालमुड़ी वगैरह। हम अपने घर से पूरा सामान खरीद के लेके आया था, तो अभी खा के फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लैप्स करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी हम लोग भैया ने एक्चुअली ये वीडियो मेरे को भेजा था, यही जगह सेम लोकेशन है। सो अभी हम लोग भी सेम वीडियो शॉट करने जा रहे हैं। सो कैमरामैन रेडी, सो सेम शॉट निकलने जा रहे हैं। लेट्स सी, गाड़ी वाड़ी तो नहीं हमारे पास, चेयर भी नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे गाइस, ठीक है। इंस्टाग्राम में देखना। चलो गाइज, यहाँ पे हमने फोटो वोटो लिया, सिनेमेटिक वीडियोज़ वगैरह लिया, इंस्टाग्राम के लिए वीडियो वगैरह लिया। अगर आप लोग ने इंस्टाग्राम में अभी तक भी फॉलो नहीं किया तो आप लोग फॉलो कर सकते, गोरखे बॉय ऑफिशियल करके मेरा इंस्टा नेम है। सो यहाँ पे अभी हम लोग झालमुड़ी खाने जा रहे हैं, तो चलो। वाह, झालमुड़ी तो है, कस्तो भाई छौ दामी। चलो यहाँ पे अभी हम लोग झालमुड़ी वगैरह खाएंगे। ओ,
हेलो हेलो, यहाँ पे झालमुरी खुआई हो रहा है। खाना जो है हम लोग ने नहीं खाया, अब देख सकते हैं। हाँ हम रहता हो बिंगो में झालमुरी नहीं, बिंगो आजकल ऐसा आता है। खत्म करके जाना है ना इतना। ओके गाइस, यहाँ पे हम लोग कई स्नैक्स वगैरह हो चुका है, ये देख सकते हो। बचा भी है, सबने एक एक पोखा बनाया भी है यहाँ पे। सो यहाँ पे और जितने भी ये प्लास्टिक वगैरह था तो हम लोग ने यहाँ पे जला दिए है। तो अगर कोई भी आप लोग आते हो तो ऐसे ही करके जाइएगा, क्योंकि नहीं तो ना इफेक्ट पड़ता है इस लेक के लिए भी और यहाँ का बोर्ड सबके लिए। जलाना भी सही नहीं है, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। यस, जलाना ही पड़ेगा, ये तो हवा उड़ा के लेके जाएगा ना। ऐसा ऐसा तो नहीं होगा ना, देखो। हाँ हाँ, लेट्स देखो, ऐसा नहीं करना एक्चुअली, ठीक है। ये बियर बोतल वगैरह अगर सब जन ऐसा करते करते ना तो फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर यहाँ पे लोग आना मुझे। ये भी झील वगैरह पूरा सूख जाएगा यहाँ पे। के गरे छ, आइसक्रीम भी डाल दिए लोग, देखो आइसक्रीम भी डाल दिए। बट ये बॉटवाइजर बियर वगैरह हम लोग ने नहीं खाया, सिर्फ ये जितने भी प्लास्टिक का चीज है ये सिर्फ हम लोग ने खाया। ओके सो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे गाइस, ठीक है। ना बचे, नाउ इट्स टाइम टू मूव बैक। राइट, One more. Okay, bye bye to Vata Dosali. Lake बहुत ही अच्छा था एंड बहुत ही पीसफुल प्लेस। आई रियली मिस दिस प्लेस एंड बहुत ही सुकून था, बहुत ही अच्छा जगह प्लेस था। सो गाइज अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे, अभी 5 बज चुके हैं, 5 से भी पार हो चुका है, सभी जाने के लिए रेडी। आई थिंक हम लोग को यहाँ से पहुँचने में और 2 घंटा, 2.5 आवर लग ही सकता है। एंड ये रहा मेरा बेबी, मेरा बेबी का आज नहीं डाला मैंने। आई लव यू, यू हैप्पी? झालमुरी सब ज्यादा हो गया ना, सबने पैकेट पैकेट बना के रखा हुआ है। सो यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे, सब रेडी है, गाड़ी पे बैठ चुके हैं। सो ये गाइस, सो घर में, घर पहुँचने तक मैं ये वीडियो करूँगा, घर में इन करूँगा गाइस। सो स्टे ट्यून्ड, ये देख सकते हो। बाय बाय, लास्ट नजारा ला, बाय बाय। एक्चुअली ये जगह था हमारा भैया का फरमाइश था, भैया ने मेरे को कब से बोला यहाँ पे जाने के लिए। आज हम लोग ने 2 जगह कवर किया, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह है। भी रुका हूँ वहीं पे। हाँ काफी जंप कर दिया है ये भैंस ने। बकरी है, बकरी नहीं, ये छोटा वाला बकरी।
पहिरो तो दामी देखिएको है बहुत सुंदर झील है गाइज यहाँ पे भी। सो अभी हम लोग वापस जा रहे थे, लोकेशन देखा था हम लोग को, बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिला, इसलिए हम लोग अभी रुक के ना थोड़ा सा फोटोशूट किया, फोटोशूट नहीं थोड़ा सा वीडियो कैप्चर करने का कोशिश करते हुए। अगर कोई भी गुंदी बंदी फोटो आते ना गाइज, आपको रास्ते में ये पार्क मिल जाएगा, ये लेक मिल जाएगा, एक्चुअली बहुत ही सुंदर लेक है, आप लोग यहाँ पे आके फोटोशूट वगैरह क्लिक कर सकते हैं। और रास्ता जो है ये है गुंदी बंदी फोर्ट का रास्ता, ये आपको आगे जाके थोड़ा सा राइट लेके फिर गुंदी बंदी फोर्ट निकल जाएगा। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं, टाइम बहुत हो चुका है, 5:30 हो चुका है, जाना बहुत दूर है, फिर मिलेंगे बाद में, तो लेट्स गो। ऑल राइट गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं बीच रास्ते में, आई डोंट नो ये जगह का नाम क्या है अभी इतना, इट्स टाइम ऑफ 6 o'clock, बहुत ही ठंड है और बारिश भी छोटे छोटे हो रहे हैं। एंड अभी यहाँ पे थोड़ा भाई चाय पी के फिर निकलेंगे ना गाइज, पावर चाहिए नहीं बताए, पावर पावर हान्नु पर्यो नि, जगह का नाम क्या है, पेरेसेत्रा, भैया ने क्या नाम बोला मैं तो भूल ही गया, इधर याद, एक सेकंड में भूल गया, इतना इधर का जगह का नाम नहीं प्रोनाउंसिएशन करने में इतना ज्यादा मुश्किल है, इतना ज्यादा मुश्किल है। आई डोंट नो अभी हम है बीच रास्ते पे, आई डोंट नो हम लोग ने कितना लाइक 5-6 किलोमीटर ही कवर कर चुके होंगे, बट भूख ज़्यादा लग रहा है, भूख नहीं चाय पीने का मन ज़्यादा कर रहा है एक्चुअली, बहुत ही ठंडा भी लग रहा है ना, सब यहाँ से चाय भाई पी के फिर हम लोग निकलते हैं अपने घर की तरफ। ओके गाइस सो स्टे ट्यून, और बादल भी गरज रहे हैं, अभी बारिश हुआ तो फिर। राइट गाइस सो अभी हम लोग ने चाय भाई पी लिया, सो अभी हम लोग निकल रहे हैं, रात भी होने वाला है, अभी 7 बजने वाला है, हम लोग को और जाना पड़ेगा 70-80 किलोमीटर्स। स्टे ट्यून गाइस, अभी घर जाकर वीडियो कंप्लीट करेंगे, स्टे ट्यून क्या होता है बीच में अगर रुक लिया तो फिर से वीडियो करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट घर देख लेंगे गाइस, स्टे ट्यून। तो अभी हम लोग ये रेस्टोरेंट में रुके हैं गाइस, बारिश जो है बहुत ही भयंकर बारिश हो रहा है बाहर, जाना बहुत दूर है बीच रास्ते पे, कौन सा जगह है मालूम नहीं। यहाँ पे हम लोग ने डोसा ऑर्डर कर चुके हैं, अभी डोसा वोसा खा के निकलेंगे, चलो डोसा खाएंगे, मसाला डोसा है ये। तो सब जन ठीक है, ऑल आर ओके, ठीक है सनी, चलो गाइस फटाफट खाएंगे उसके बाद निकलेंगे। गंदा पानी है भैया, थोड़ा अच्छा वाला ग्लास अच्छे से क्लीन करके दीजिए ना, टेस्ट करेंगे, ये है कोकोनट चटनी, ये है डोसा, फटाफट खा के हम लोग। अभी 7:30 हो चुका है, घर पहुँचते पहुँचते आई थिंक 9 बज जाएगा, बारिश की वजह से ना हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। अभी हम लोग चल रहे हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, अभी 8 बज चुके हैं, सभी जा रहे हैं, ठीक है, ओके जा रहे ना, लेट्स गो। ओके गाइस तो अभी हम लोग निकलेंगे, अभी 8 बज चुके हैं, रात बहुत हो चुके हैं बाहर, बारिश थोड़ा थोड़ा बहुत हो रहा है, तो लेट्स गो गाइस, रेडी हो जाओ, ये देख सकते हो हमारा हेलमेट वगैरह बैग, देख सकते हमारे भांजी यहाँ पे देखो जा रहा ठंड में कोक पकड़ते हुए, और ये देखे बुखार होने वाला है, ये एक इंजर्ड है यहाँ पे, तो चलो गाइस चलते चलते चलते, बारिश रुकने का नाम ही नहीं रहे। ओ भाई साहब अभी हम लोग कहीं पे देवनाली तो होगा शायद, ये तो जाना बहुत ही दूर है, अंधेरा बहुत हो चुका है, और बारिश देखो अभी तक बारिश नहीं रुक रहा है, यानी कि 8 बज चुका है, आई थिंक घर पहुँचते पहुँचते 9:10 पहुँच जाएगा, 9:10 हो जाएगा गाइस। और हमने इसे यहाँ पे खाना वाना भी खाया, क्योंकि खाना हम लोग ने मॉर्निंग से अच्छे खाना नहीं खाया था, तो यहाँ पे खाना भी खाया और बारिश भी हो गया था, थोड़ा बहुत भीग भी गया, आई थिंक और भी भीगेंगे हम लोग। सो गाइस अभी हम लोग सीधा घर पर मिलते हैं, ठीक है गाइस। अभी हम लोग पहुँच गया एयरपोर्ट रोड में, ये देख सकते हैं एयरपोर्ट पूरा लाइट लगा हुआ है वहाँ पे, पूरा ये जो एयरपोर्ट है, एंड हम लोग का दोस्त लोग ना सब जन छूट गया बिकॉज ऑफ मैप है ना, और ये बारिश की वजह से ना सब जन इधर उधर हो चुका है, नर्मदा जो है उसका थोड़ा सा जल्दी जाना था कोरबंगला, तो वो डायरेक्ट चला गया, एंड अर्पन लोग के साथ थोड़ा सा मिस हो गया रास्ता, तो वो लोग दूसरे रोड से चला गया, हम लोग दूसरे रोड से चला गया। अभी हम लोग है यहाँ पे एयरपोर्ट रोड में गाइस, अभी पहुँचने वाले है, यही थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना था आप लोग को, अभी जा रहा है बहुत अंधकार हो चुका है, तो आगे है वांग और डोलमा, वांग डोलमा यानी कि वांग डूपर बंदना बहनी, सो अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस, ठीक है अभी घर जाके खत्म करते हैं वीडियो।
रहा दोस्त आज का ड्राइव कैसा रहा? ये देखो पूरा भीग गया। ये देखो आज का ड्राइव। इसलिए गाइस हम लोग यहाँ पे अभी फाइनली बुद्धिगिरी फ्लाईओवर में पहुँच गया हूँ और पर लोग को वेट कर रहे हैं। बारिश जो है रुकने का नाम ही नहीं है, थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है। कितने बजे हम लोग पहुँचेंगे घर? बहुत थक भी गया, सर दर्द हो गया, ठंड भी लग रहा है। और दो लेडीज देखो हमारा यहाँ पे जरा इन लोग को घर छोड़ना है फर्स्ट तो। ओके गाइज ब्लॉग देखते रहे, घर पहुँच के खत्म करेंगे ब्लॉग। ऑलराइट गाइज फाइनली हम लोग घर पहुँच गया। घर पहुँच के भी कपड़ा चेंज किया, कपड़ा जो था पूरा भीग चुका था। सो अभी बच चुका है 11 बजने में 20 मिनट्स बाकी है। और ये देख सकते हो नंगे बूढ़े इसका टी शर्ट पूरा भीग गया। एंड द गुड थिंग इसने मेरे को रेनकोट दिया था तो मैं ज़्यादा नहीं भीगा। और ये तो नहीं किया, इसका तबीयत खराब था। लेकिन यहाँ पे खाना वाना बन चुका है, अभी वाई वाई पक रहा है तो अभी हम खाएंगे। ठीक है, कैसा लगा? तुमको रेनकोट दे दिया। हाँ, मैं बोला उसको तुम चाहे नहीं चाहिए बोले तो क्या है ना। सो गाइज उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा गाइज। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बी सेफ गाइज। तब तक के लिए गोर के भाई ब्लॉग्स देखते रहना गाइज। सभी को धेरै माया, जय हिंद।